الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت افعل ما تؤمر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المسلمين الله تعالى کا بے حد حساب شکر कि जिस ज़ात हक की तौफीक से हम उसकी बारगाह करम में हाजिर हैं, दुआ है कि वो खालिक कायनात खालिक अर्ज़ो समावात यहाँ पर बैठे हर एक को हज अकबर की सआदत हासिल करना नसीब हो। आज जिस मौजूए सुगन पर मैं कुछ गुजारिशात पेश करने जा रहा हूँ वो है एक शेर का मिसरा कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्ज। अब मैं पूरा शेर पढ़ूंगा और आप एक दो की सुभान अल्लाह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जिस हस्ती का कलाम है उस हस्ती ने एक नहीं दो नहीं दस नहीं बीस नहीं सौ नहीं लाख नहीं दो लाख नहीं एक करोड़ मर्तबा मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ा। तो उस हस्ती के लेवल की सुभान अल्लाह मैं सुनना चाहता हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्ज़। मैंने आपके सामने आयत करीमा तिलावत की, रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अबतिफाल मातु उमर। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जब इब्राहिम ने इस्माइल को नीचे ज़िबा के लिए लिटा दिया था और पूछा इस्माइल तेरी क्या ख्वाहिश है तुझे ज़िबा करूँ या रहने दूँ, तो हजरत इस्माइल अलैह सलाम ने कहा या अबतिफाल मातु उमर ऐ बाबा जान जो रब ने कह दिया है वो कर गुजरी। ये कुर्बानी है क्या चीज, ये कुर्बानी कहाँ से निकली, इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। हजरत आदम अलैह सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम हाबील था दूसरे का नाम काबील था, एक का नाम हाबील दूसरे का नाम काबील। रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऑर्डर जारी था कि नस्ल आगे बढ़ानी है, नस्ल की मुंतकली करनी है, तो सुबह के वक्त जो लड़का लड़की पैदा हो, जो शाम के वक्त लड़का लड़की पैदा हो उनके साथ उनका निकाह करवाना, क्रॉस मैचिंग करनी है, नस्ल की आगे मुंतकली होगी, इस तरह नस्ल आगे फरोग पाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी तरह हुक्म खुदाबंदी के ऊपर सर तस्लीम खम करते हुए जो सुबह के वक्त लड़का लड़की पैदा होते, शाम के वक्त जो लड़का लड़की पैदा होते क्रॉस मैचिंग उनका आपस में निकाह करवाते, सुबह के वक्त हाबील पैदा हुआ रात के वक्त काबील पैदा हुआ।
अब हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो थोड़ी सी बदसूरत थी, और जो रात के वक्त शाम के वक्त काबील पैदा हुआ उसके साथ जो लड़की पैदा हुई वो थोड़ी सी खूबसूरत थी। अब काबील चाहता था कि इसकी शादी मुझसे हो, लेकिन हुक्मे खुदाबंदी था, क्रॉस मैचिंग होनी थी, उसके साथ तो शादी हो नहीं सकती थी, उसकी शादी होनी थी हाबील के साथ। दंगा और फसाद तक बात गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं अभी फैसला कर देते हैं। हाबील को कहा तुम अपनी कुर्बानी लेकर आओ, काबील को कहा तुम अपनी कुर्बानी लेकर आओ, जिसकी कुर्बानी रब्बुल जलाल ने कबूल कर ली समझ लो वो हक की राह पर गामजन है, और जिसकी कुर्बानी रद्द कर दी गई समझ लो वो गुमराही के रास्ते में। अब हजरत हाबील उन्होंने भी अपनी कुर्बानी पेश की, मेंढा ज़िबा करके लाकर सामने रख दिया मैदान के अंदर। काबील ने भी कोई अपनी कुर्बानी, कोई अनाज गंदम सदका फिराद करके लाकर सामने रख दिया। एक आसमान से आग नीचे आई, हाबील की कुर्बानी जलाकर राख कर दी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा फैसला हो गया, हाबील की कुर्बानी रब ने कबूल कर ली, काबील की कुर्बानी रब्बुल जलाल ने रद्द कर दी। काबील ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं, मैं हाबील तुझे कत्ल कर दूं। कत्ल तक बात चली गई। अब रब्बुल जलाल ने नक्शा खींचा कुरान के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतलु अलैहिम नबा अबनै आदम बिलहक इज़ करबा कुर्बानन फतुक्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर क़ाला लअक्तुलन्नक क़ाला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। जब काबील ने हाबील को मारने की धमकी दी ना, तो हाबील ने कहा भाई बात सिर्फ इतनी सी है, रब्बुल जलाल कुर्बानी उसी की कबूल करता है जिसके दिल में तक्वा का दिया रोशन होता है। रब्बुल जलाल कुर्बानी उसी की कबूल करता है। आप 14 लाख का ऊंट कुर्बानी के अंदर दे, आप बकरे जिका करे, आप लेले दूधे जो सा भी जानवर राह खुदा में कुर्बान करे, मुझ ना चीज की ये बात याद रखिएगा, हाबील ने काबील को नसीहत की थी इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, रब तो कुर्बानी उसी की कबूल करता है जिसके दिल में तकवा का दिया रोशन होता है। नहीं यनाल नारुहुहा वला दिमागुहा वला की यनालुहु तक्वा मिनकुम। रब्बुल जलाल ने फरमाया तुम्हारा गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता, तुम्हारे कुर्बानी के जानवर का खून मुझ तक नहीं पहुंचता, तुम्हारे दिल में तकवा कितना है ये मुझ तक बराह रास्त पहुंचता। यहां से कुर्बानी का सिलसिला जारी हुआ। इब्राहिम सुनवानी जुबान का लफ्ज है, ये बना है अबुन और रहीम से। अबुन कहती है बाप को, और रहीम कहती है ऐसा बाप जो हमेशा शफकते करने वाला, हमेशा रहमतें बांटने वाला हो। तो इन दो लफ्जों का मुरक्कब इब्राहिम बनता है। इस्माइल इब्रानी जुबान का लफ्ज है, ये बना है इस्मुन और ईल से। इस्म कहते हैं रब्बुल जलाल की इताअत और फरमा बरदारी करने वाला, और ईल इब्रानी जुबान में रब्बुल जलाल को कहते हैं। इस्माइल यानी रब्बुल जलाल की इताअत और फरमा बरदारी करने वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौरात का हवाला दे रहा हूं, तौरात की किताब खोलें, 10 कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, उसके अंदर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 86 बरस की उम्र, कितनी बरस उम्र थी? 86 बरस उम्र थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। औलाद नहीं हो रही थी, 2 शादियां थी, एक हजरत सारा के साथ, एक हजरत हाजरा के साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, कुरान ने नक्शा खींचा, वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, बारी ताला मैंने हिदायत के रास्ते को अपनाया है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, बारी ताला इस 86 बरस की उम्र में मैं जानता हूँ औलाद तो पैदा नहीं होती, लेकिन इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर का मालिक अगर चाहे तो क्या मुमकिन नहीं हो सकता, बारी ताला मुझे औलादे करीना की नेमत। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हजरत हाजिरा के घर हजरत इस्माइल की विलादत हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑर्डर जारी किया रब्बुल जलाल ने, इब्राहिम एक दुआ हमने कबूल की है ना, अब हम ही तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी बीवी हाजिरा और अपने नन्हे बेटे इस्माइल को लो और
और जाकर मक्का मुकरमा की बेआबो गया वादी के अंदर छोड़ा, बेआबो गया वादी के अंदर। कुरान ने नक्शा खींचा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा ना, तो आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया खाना काबा के लिए, आपने कहा रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रा, वो वादी गैर ज़ी ज़रा, वहां पर गंदम का अनाज भी नहीं उगता था, वहां पर आबादी रेगिस्तानी इलाका, पथरीला इलाका, वहां पर कोई आबादी नहीं थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑर्डर हुआ कि जाओ जाकर इनको वहां पर छोड़ाओ, अपनी बीवी और हजरत इस्माइल को साथ लिया, वे आगे गया वादी तक पहुंचे। मैं रात को बैठा सफर डिस्टेंस काउंट कर रहा था, शाम से उस वादी मक्का तक का सफर बनता है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर का सफर तय करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे, जाकर अपनी बीवी और इस्माइल को वहां पे छोड़ा। बीवी ने पूछा कि ये क्यों आप हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश। दूसरी मर्तबा पूछा, इब्राहिम आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुर्बानी क्यों की कबूल होती है और हुज्जाजे किराम का हज क्यों कबूल होता है और उमरा करने वाले उमार का उमरा कबूल होता है। जब तीसरी मर्तबा पूछा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश थे ना, तो आगे से हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, इब्राहिम हल अमरल्ला, क्या आपको ये करने का हुक्म रब्बे जुल जलाल ने दिया? सवाल पूछा, क्या आपको ये करने का हुक्म रब्बे जुल जलाल ने दिया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में सर हिलाया। हजरत हाजरा ने कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, तो जब अल्लाह, तो फिर हमारे लिए अल्लाह ही काफी, हमारे लिए फिर अल्लाह ही काफी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, आप गए, आपने वापस दुआ मांगी, आपने कहा रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ बारी ताला, मैं वादी गैरी ज़ी ज़रअ, जहां पे अनाज भी नहीं उगता, गंदम भी नहीं उगती, कोई रिहायश भी नहीं, वो रेगिस्तान में, वहां पर अपनी बेआबो गया वादी के अंदर अपनी ज़ुर्रियत को छोड़कर आया हूँ। रब्बाना ऐ बारी ताला, तहवी अज अल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, बारी ताला मैं चाहता हूं तू लोगों के दिलों को ऐसा, तू लोगों के दिलों को बारी ताला ऐसा बना दे कि वो मेरी ज़ुर्रियत की तरफ खींचे चले जाएं। मुफस्सिरीन किराम ने यहां पर कलाम किया, उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ में ये क्यों नहीं कहा, तहवी इलल मक्का, के लोगों के दिलों को ऐसा बना कि वो मक्का मुकरमा की तरफ खींचे चले जाएं, ये अपनी ज़ुर्रियत की तरफ का इशारा क्यों किया? आखिर पे मुफस्सिरीन किराम ने, साहबों ने ये बात लिखी, उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत की तरफ इशारा इस वजह से किया क्योंकि उनकी ज़ुर्रियत से किसी और ने नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफा ने आना, तहवी इलैहिम, हज उसी का कबूल होगा, उमरा उसी का कबूल होगा, जब मक्का की तरफ खींचा चला नहीं जाएगा बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के दर के ऊपर। मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे तो नहीं कहा, खीला न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, तो तहवीर इलैहिम छोड़कर आ गए। अब हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके पास मशकीजे में कुछ पानी भी था, खजूरें भी थी, आप पानी का इस्तेमाल करती, खजूरों का इस्तेमाल करती, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती, आहिस्ता आहिस्ता खजूरें भी खत्म होना शुरू हो गई, पानी भी मशकीजे से खत्म होना शुरू हो गया, हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा कमजोर होना शुरू हो गई। अब जब सब कुछ खत्म हो गया ना, तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया, वे आपो गया वादी के अंदर, और लिटाकर आप कभी सफा के चक्कर लगा रही हैं, कभी मरवा की पहाड़ी के चक्कर लगा रही हैं, कभी मरवा से सफा पर, कभी सफा से मरवा पर, बीच में रुककर ममता बेकरार, दिल को सुकून नहीं आ रहा, चैन नहीं आ रहा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखती हैं। रब्बे जुल जलाल ने कहा, मेरी महबूब बंदी का ये अमल मुझ परवरदिगार को इतना पसंद आया है ना, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم, حاجیوں کا حج عمرہ کرنے والوں کا عمرہ تب
की सही नहीं करते। क्यों बारी ताना क्यों नहीं कबूल होगा? सपा मरवा की सही जरूरी है। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी महबूब बंदी हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नन्हे से अब वो वहां पर आपको गया माटी जहां पे पानी तक भी मुयस्सर नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियां रगड़ी, उम्दतुल कारी इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने शरह लिखी सही बुखारी की, और इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फतहुल बारी, इन्होंने भी शरह लिखी सही बुखारी की, और इमाम अलूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर, और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला ने तफसीर नईमिया के अंदर लिखा, उन्होंने कहा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों को रगड़ना था, रब पेशुल जलाल ने बे आबो गया वादी के अंदर से पानी का चश्मा जारी किया। पानी का चश्मा जारी होना, साइंटिस्ट आज भी हैरान है कि पानी आता कहां पे है। सारी तहकीकात मुताला करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दी अवार्ड इज ओनली दी वन इन दिस फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स। इस कायनात के अंदर अगर कोई शय है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है तो वो और कोई नहीं, मोहम्मद मुस्तफा का खुदा है। अब वहां पर चश्मा निकला। अच्छा, सही बुखारी है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इतना प्यार करते थे ना, बाप का दर्जा देते थे। किसी ने पूछा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप दुनिया में कैसे आए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना दावतु अभी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ बन गया। इतना प्यार करते थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो वाकया खुद बता रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब वो पानी का चश्मा रुक नहीं रहा था, उसको रोकना था। अगर पानी का चश्मा ना रुकता तो पानी बहता चला जाता। आका करीम ने इरशाद फरमाया, यरहमुल्लाहु उम्म इस्माइल, अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल करे हजरत इस्माइल की वालिदा पर। उन्होंने कहा जम जम, पानी रुक जा, पानी वहीं पर रुक गया। जम जम का नाम, जम जम कहते हैं रुकने को, रुक जाने को। उस पानी को जो ही जम जम कहा ना, पानी वहीं पर रुक गया। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीले और तसद्दुक से रब्बे जुल जलाल ने यह तबर्रुक आज तक उम्मत मुस्लिमा के अंदर माना। अब हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा वहां पर क्याम पजीर हुई। कबीला बनी जुरहम, उनके लोग कुछ आए, काफिला था, वफद था, तो उनका एक बादशाह था, वो भी आया। उसने आकर कहा, ये भी आबो गया वादी के अंदर एक औरत है और साथ में उसका नन्हा सा बच्चा है, ये कौन है? तो आगे से जब उसने सवाल जवाब किए और पता लगा ना कि हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा है और साथ उनके नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा हमें भी कुछ पानी चाहिए, हमारे पास पानी खत्म हो चुका है। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से उनको पानी मिला। कबीला बनी जुरहम के लोग वहां पर रहना शुरू, वहां पर कबीला बन गया, वहां पर लोग रहना शुरू हो गए। अब वहां पर तादाद बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, वर्ज़ुकहुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून, यहां पर आने वाले लोगों को इतना रिस्क देना, इतना रिस्क देना कि हर शय खत्म हो जाए, लेकिन मक्का मुकर्रमा से रिस्क खत्म नहीं होना। और मक्का मुकर्रमा जाने वाले, उमरा करने वाले और हुज्जाजे किराम, उनकी मेजबानी कोई नबी रसूल फरिश्ता मलाइका नहीं, बल्कि रब्बे जुल जलाल की जात खुद कर रही होती। अब वो वहां पर वफद रहना शुरू हो गया। 13 साल गुजर गए, 13 साल, ये आपको बात नहीं, मैंने टोटल खुद किया, 13 साल गुजर गए। 13 साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया। 8 ज़िलहज्जा को कहते हैं यौमुत तर्बिया, 9 ज़िलहज्जा को कहते हैं यौमुल अरफा और 10 ज़िलहज्जा को कहते हैं यौमुल हज्जा। अब ये क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। 8 ज़िलहज्जा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि कुर्बानी करनी है, आप कश्मकश में मुब्तला हो गए। 8 ज़िलहज्जा यौम तर्बिया, तर्बिया कहते हैं कश्मकश में, आप कश्मकश में मुब्तला हो गए कि ये कुर्बानी का जो ख्वाब आया है ये शैतान की तरफ से आया है या रब्बे रहमान की तरफ से आया है। आपका थोड़ा सा कश्मकश के अंदर मुब्तला। यौमुल अरफा कहते हैं 9 ज़िलहज्जा को। यौमुल अरफा इसलिए कहते हैं क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब दोबारा ख्वाब आया ना, तो अरफा कहते हैं पहचानने को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहचान हो गई कि ये ख्वाब मुझे शैतान की तरफ से नहीं आया बल्कि रब्बे रहमान की तरफ से आया।
तो अब आपने नौ जिलहजा को कुर्बानी कराया, आपने उठ कर एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किया, लेकिन दोबारा फिर ख्वाब आया और ख्वाब के अंदर रब्बे जिल जलाले का इब्राहिम नहीं लंतनाल बिरला हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन, कुर्बानी तो वही कबूल होती है जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा पसंदीदा लगती है। तो ये कुर्बानी नहीं कबूल होनी, कुर्बानी कबूल होगी तुम्हारे बेटे इस्माइल की। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल। 13 साल गुजर गए। मैं इस वाक्य को यहाँ पर रोकता हूँ। कुरान मजीद का वाक्या, दो नबियों का वाक्या, हकीकत पर मबनी वाक्या, इसको रोक कर हम चलते हैं आज के 2022 के दौर के अंदर। आप में से कोई शख्स अपनी जुर्रियत को जाकर बेआतक गया थर के रेगिस्तान के अंदर छोड़कर आ जाए, मुड़कर 13 साल तक पता भी ना ले, और 13 साल बाद जाकर वो बोले कि मुझे भी ख्वाब आया और ख्वाब के अंदर मैंने ये देखा है कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, तो आप बताएं आप क्या कहते हैं? तो आगे से जवाब क्या मिलेगा? वर्णी कोई साइकोलॉजिकल इशू है तुम्हें, तुम जाके अपना ट्रीटमेंट इलाज करवाओ, मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ, ये कैसे बात कर रहे हो? 13 साल तक बेआबो गया वादी में छोड़ने के बाद, अब आकर तुम कहते हो कि मैं तुम्हें ख्वाब में देखा ज़िबा कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें ज़िबा करने आया हूं? ख्वाब तो इतने सारे आते रहते हैं, ये क्या बात हो गई? लेकिन वो नबी थे ना, इब्राहिम थे, बेटे भी आगे नबी थे ना, हजरत इस्माइल थे। 13 साल गुजर जाने के बाद जाकर कहने लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को, इस्माइल इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, इस्माइल मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तू इस बारे में क्या कहता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन, बाबा जान जो हुक्म खुदाबंदी है कर गुजरिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में, अगर अल्लाह ने चाहा आप अदब का मुलाजा करें। इस्माइल को अदब किसने सिखाया? अगर अल्लाह ने चाहा, ये नहीं कहा कि मैं सबर करने वालों में पाया जाऊंगा, ना, कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वालों में पाएंगे। अल्लामा इकबाल ने भी ऐसे ही तो नहीं कहा, यह फैजाने नजर था या इब्राहिम की यह फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी या हाजरा की माँ की गोद की बरकतें और दुआएं थी? सिखाए किसने इस्माइल को अदब? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बाबा जान आप कर गुजरे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पकड़ा, छुरी हाथ में ली, रस्सी हाथ में पकड़ी, निकल पड़े ज़िबा करने के लिए। शैतान ने यहाँ पर अपना काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि शैतान ने कुरान में कहा है ना, कौल फबी इज्जति का लउरियन्नहुम अजमाईन, ऐ बारी ताला तेरी इज्जत और किबरियाई की कसम, बंदा ए मोमिन को आखिरी सांस तक गुमराह करता रहूंगा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फिर शैतान मुझे अपनी इज्जत और किबरियाई की कसम, तू आखिरी सांस तक मेरे बंदे को गुमराह करता रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे के गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। शैतान ने वसवसा डालने के लिए भाग कर आया, भेष बदल कर हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आकर कहने लगा, वो तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को लेकर जा रहे हैं ज़िबा करने के लिए, 13 साल तक कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा, और अब अचानक आकर जाकर उनको ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं, आपको नजर नहीं आता? हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा अच्छा ठीक है, खुदा ने हुक्म दिया, खुदा ने हुक्म दिया है। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के इस सवाल पर शैतान ने कहा हाँ खुदा ने हुक्म दिया है। आपने कंकड़ियां उठाकर सात कंकड़ियां उसके मुंह पर मारकर कहा खुदा ने हुक्म दिया है ना, तो यकफी अल्लाह, फिर खुदा ही हमारे लिए काफी। कयामत तक की उम्मत को पैगाम दिया कि निकाह एक ऐसा पाक रिश्ता है कि इसमें दंगा और फसाद और दरार डालने वाला आए तो वो तुम्हारा दोस्त यार नहीं होता बल्कि शैतान होता। पैगाम दिया उम्मत मुस्लिमा को। अच्छा, शैतान ने कहा यहाँ पर भी मेरा वसवसा नहीं चला, भाग के गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, कहा आप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जा रहे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सात कंकड़ियां उठाई, उठाकर उसके मुंह के ऊपर दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा तुम्हारे पापा ने 13 साल तुम्हारा पता नहीं लिया, अब आकर वो तुम्हें ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आता? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान थे, 13 साल की उम्र है, 13 साल की उम्र के अंदर आजकल के बच्चों को अपनी होश नहीं होती। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तड़प कर कहा अल्लाह का हुक्म है, उन्होंने भी कंकड़ियां उठाकर उसके मुंह के ऊपर दे। अल्बेसन चनार को ये अमल इतना
इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। रब्बे जुल जलाल ने कहा हाजियों, उमरा करने वालों, कयामत तक हज और उमरा उसी का कबूल होगा जो जाकर शैतान को कंकरियां मार कर आए। क्योंकि ये किसी आम बंदे की सुन्नत नहीं, ये दो नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा अब लेकर आगे गए, जाकर लिटा दिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए। अब मुकालमा हुआ। इमाम अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर उलूल बयान के अंदर ये मुकालमा लिखा। मुकालमा हो रहा है जी। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते बाबा जान आप ऐसा करें, रस्सियों से मेरे हाथ पाँव बांध दें, रस्सियों से हाथ पाँव बांध दें। आप ऐसा करें आप मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दें, आंखों पर पट्टी भी बांध दीजिए। कहा बाबा जान आप ऐसा करें आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे मैंने तो सिपा करना है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध रहा हूँ ठीक है बात समझ में आती है, रस्सियां बांध रहा हूँ ठीक है बात समझ में आती है, मैं अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांधू। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा जान इसलिए कि कहीं आपकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़े तो आपकी छुरी डगमगा ना जाए, आपकी छुरी डगमगा ना जाए। आप ऐसा करें अपनी आंखों पर भी तजाना पट्टी बांध। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया। अच्छा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर बोले, कहने लगे बाबा जान मुझे किबला रुख करके लिटाए, किबला रुख करके लिटाए ताकि जब मेरी कुर्बानी रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कबूल होने जाए ना तो कहीं ये बात देख के रब्बे जुल जलाल कुर्बानी रद्द ना कर दे कि मुंह किबला रुख की तरफ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किबला रुख की तरफ मुंह किया। रब्बे जुल जलाल ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब्बे जुल जलाल ने उम्दतुल कारी की शरह जो सही बुखारी की है इमाम बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रब्बे जुल जलाल ने कहा जिब्रील जी बारी ताला तस्बीह छोड़ जन्नत में जा, एक मेंढा उठा और नाप कर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा कर मेंढा कुर्बानी के लिए रख। हज़रत जिब्रील अमीन ने जन्नत से मेंढा पकड़ा, हज़रत इस्माइल को साइड पे किया, मेंढा लाकर रखा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, उनको जब खून के छींटे लगे उन्होंने कहा लगता है रब्बे जुल जलाल को कुर्बानी कबूल हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो गए। जब आंखों से पट्टी हटाई हज़रत जिब्रील अमीन और इस्माइल पास खड़े मुस्कुरा रहे थे, नीचे देखा मेंढा अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा मंजर देखा तो फौरन जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी आवाज बुलंद करके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुदरत की आवाज आई वलिल्लाहिल हम्द। ये कुर्बानी का वाकया, जब इस तरह कुर्बानी हो तो फिर रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया इब्राहिम की कुर्बानी वफादई ना हो बिज़िबहिन अजीम कहकर हमने कबूल की और कयामत तक लोगों को पैगाम दिया कुर्बानी वो कबूल नहीं होती जिसके अंदर गोश्त ज्यादा हो, जिसके अंदर पैसों से खरीदा हुआ जानवर बड़ा हो, बल्कि कुर्बानी राह खुदा में वो कबूल होती है कि किसी को पता भी ना हो और आपके दिल के अंदर तकवा की बुनियाद सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई और इस तरह उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और तसद्दुक से कुर्बानी को वाजिबुल अदा करार दिया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करना नसीब फरमाए और हमें हमारी कुर्बानियाँ जब क़यामत वाले दिन पुल सिरात के ऊपर से गुजरें तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जब पुल सिरात का मकाम होगा ना वो पुल सिरात जो बाल से भी ज़्यादा बारीक तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे कुर्बानी के जानवर तुम्हें अपने ऊपर बिठा कर पुल सिरात अल्लाह पाक हमें कुर्बानियां खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करना तौफीक फरमाए। आमीन बिजाह नबी के अमीन।